टाकुली ऑटो टॉक्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लाई है जिसे सेफ्टी चाहिए और माइलेज भी अच्छी खासी चाहिए, रनिंग अच्छी खासी है डेली की, तो वो जानती हैं सीएनजी गाड़ियों की ओर जाता है। लेकिन सीएनजी गाड़ियां ना सेफ हों तब तो फिर और भी अच्छी बात है, क्योंकि माइलेज तो मिल ही रही है और आप जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं वो एक सेफ्टी रेटिंग में जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज जो आपके सामने है टाटा टिगोर और ये इसका जो है XZ वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं। तो XZ वेरिएंट अगर जो लेना चाहते हैं ना उसे जो है हर एक चीज़ जो इसमें मिल जा रही है जो कि मेन चाहिए गाड़ियों में। और एक ड्रॉबैक, एक जो है डिसएडवांटेज ये रहता है सीएनजी गाड़ियों की कि बूट स्पेस नहीं मिल पाता हमें। तो बूट स्पेस अभी मैं दिखाता हूँ आपको, टिगोर में बहुत अच्छा खासा मिलेगा। इसकी एक्शोरूम की मैं बात कर देता हूँ तो यहाँ पे XZ की जो है ICNG टिगोर की एक्शोरूम रहती है वो रहती है 7,95,000 रुपये ऑन रोड जाते जाते, वैसे तो ये 9,00,000 का जो है कॉस्ट कर जाता है। अभी जो है एक्सचेंज ओवर और बहुत सारे ऑफर जो है खासकर आपको सीएनजी गाड़ियों पर टाटा की आपको देखने को मिलेंगे, तो ये वही 8,70,000 तक का चले जाता है ऑन रोड में। तो आप नियर बाय अपने जो है टाटा मोटर्स के कोई से भी शोरूम में पता कर सकते हैं। तो फटाफट से बात करते हैं, सबसे पहले तो है हम पीछे की ओर चलेंगे बूट स्पेस की ओर, क्योंकि मेन ना मैं जो है जब सीएनजी गाड़ियों की बात करता हूं तो मेन बूट स्पेस ही जो है सबसे पहली जो है चीज़ रहती है कि मैं जो चेक करता हूं। तो वही चेक करते हैं फटाफट से। सबसे पहले इसकी की दिखा देता हूं आपको, बड़ी ही प्रीमियम सी लगती है की, एकदम ग्लॉसी टच में दी गई है, मैट फिनिश में, टाटा का लोगो। इसमें आपको लॉक अनलॉक का आपको फंक्शन मिल जाएगा, फॉलो मी हेडलैम्प का भी फंक्शन मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ से आप बूट ओपन भी आराम से कर सकते हैं। तो दो की मिल रही है आपको ऐसी बड़ी प्रीमियम तरीके से, तो ऐसी कुछ रहती है। अब जरा यहाँ से सबसे पहले बूट स्पेस चेक करते हैं। तो बूट स्पेस जो इसका रहता है ना, वैसे तो 420 लीटर के अप्रोक्स इसका जो है आपको बूट स्पेस मिलता है। अब जैसे यहाँ देखते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें सीएनजी सिलेंडर। तो सीएनजी सिलेंडर जो आप ये देख रहे हैं ये यूरो का सिलेंजी, अलग अलग कंपनियां आती हैं जिनसे भी टाई अप होता है, वो अलग अलग सीएनजी कंपनी की ओर से जो है अपने सिलेंडर रहते हैं उनके। तो ये जो इनका सिलेंडर रहता है ना, ये 12 केजी का जो सिलेंडर है पूरी कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन मिलेगी। तो अब यहाँ पर स्पेस चेक करते हैं इस सिलेंडर में जो है ना, जो आपकी गैस आएगी जो वो अच्छी खासी 12 केजी का सिलेंडर है ऑन हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर पे सबसे पहले डिपेंड करती है सीएनजी। तो प्रेशर अच्छा रहता है तो 8.5 से 9 केजी आसानी से इसमें गैस आ जाएगी। और माइलेज की बात करी जाए तो माइलेज जो है इसमें वही 26 से 27 किलोमीटर का जो है यहाँ पर बताया जाता है। क्योंकि अब आप ये कह रहे होंगे यार मारुति की गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा मिल रही है हमें माइलेज, तो डिफरेंस आ जाता है ना वेट का। ये जो इसकी सीट मेटल है ना, ये आप देख रहे हैं कंपेयर टू मारुति बहुत अच्छा खासा, अगर आप डिज़ायर से कंपेयर करेंगे तो वेट में ये ज़्यादा ही जो है आगे निकल जाती है, तभी आगे सेफ्टी आपको अच्छी मिलती है। अब मेन बूट स्पेस की बात है, 420 लीटर का वैसे बूट स्पेस आता है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं सीएनजी सिलेंडर यहाँ पे पूरा फिटेड, तो यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट सेडान है तो आपको बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। कॉर्निंग पे आप रख सकते हैं सामान, नीचे इसके आप जो है अंदर रख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। तो अच्छा खासा थोड़ा डिसएडवांटेज ये तो रहता है कि सिलेंडर पीछे आता है, लेकिन ऐसी कॉम्पैक्ट्स अगर आप जो है सेडान में सीएनजी ऑप्शन लेते हैं तो आपको थोड़ा बूट स्पेस की ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और एक और चीज़, हाइड्रोलिक स्टड मिलते हैं यहाँ पे प्रॉपर आपको, तो कोई भी जो है बीच में जो एंगल लग के आते हैं ना वो वाला जो है आपको हिंड्रेंस बिल्कुल आपको जो है इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब एक बार आपको जो है यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो अभी जो है इस ये गाड़ी लॉक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर प्रॉपर दिए गए हैं, यहाँ से जो है आप इस तरीके से इसे अनलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर इसका फ्यूल लीड ओपन करें तो यहाँ से आपको प्रॉपर पता लगेगा इसमें सीएनजी फिलिंग का ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आपको सीधे फ्यूल लीड के अंदर ही दिया गया है, ऐसा नहीं है कि सीधे बॉडी पे जो है सीएनजी फिलिंग का ऑप्शन दे दिया है जैसे कि डिज़ायर में आता है, इसमें अंदर दिया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। यहाँ से आप जो है सीएनजी फिल कराएंगे, पेट्रोल आपको फिल करवाना होगा तो 35 लीटर की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी दी गई है, प्रॉपर आप पेट्रोल यहाँ से फिल करवा सकते हैं। ऊपर प्रॉपर सेंसर मिलेगा जो कि एज अ सेफ्टी के जो है प्रॉपर से काफ़ी अच्छा खासा, जब ये खुलता है स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। और यहाँ से आप प्रॉपर ये सारा कुछ इसमें मेंशन मिलता है कि कितनी जो है टोटल वाटर कैपेसिटी है सिलेंडर की, 60 लीटर की प्रॉपर दी गई है। लास्ट डेट ऑफ रीटेस्ट जो सीएनजी सिलेंडर का टेस्ट भी होता है प्रॉपर इसमें मेंशन है। तो ऐसा रहता है इसका पीछे का जो कि आपने देखा। और साथ ही साथ अब बात करते हैं और फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ आपको मैंने
जो यहाँ पर स्पेस है ना वो यहाँ पे चेकआउट कराया। तो हैचबैक के कंपैरिजन में इस कॉम्पैक्ट सेडान में काफ़ी अच्छा जो है आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। अब ज़रा फटाफट से ज़रा फीचर्स को चेक करते हैं। सबसे पहले फ्रंट से जो है स्टार्ट करेंगे, फ्रंट के जो है आपको इसमें फ़ीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं। चाबी जैसे कि मैंने दिखाई आपको फॉलो मी हेडलैम्प के जो है फंक्शन के साथ में आती है, तो जैसे ही आप जो है पार्किंग में हैं इसको जो है सर्च भी कर सकते हैं इस तरीके से। और तो अब ज़रा फ्रंट से देखें तो फ्रंट से एक कह सकते हैं ना थोड़ा प्रीमियम सा लुक वाकई में इसमें प्रॉपर आपको जो है देखने को मिलेगा। इस तरीके से फ्रंट में हेलोजन में हेडलैम्प्स दी जाती हैं और इंडिकेटर भी हेलोजन में रहेंगे। जैसे ही आप नीचे देखते हैं तो नीचे फॉग लैम्प्स भी दे दी जाती हैं आपको, हेलोजन में रहेंगी ये फॉग लैम्प्स और आपको प्रॉपर यहाँ पे ग्लॉसी टच मिलेगा। ऊपर वाले वेरियंट में जाते हैं एक्जेट प्लस में तो वहाँ पर आपको DRS मिलना स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जो ये बम्पर का डिज़ाइन देखिए आप, बम्पर लिप कितनी ही स्पोर्टी लग रही है। यहाँ से आप देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा है जो यहाँ पर दिया गया है। अंदर जो है रेडिएटर में जो है जो इनके फिन सेंस में जो है एयर पास के लिए अच्छा खासा जो है यहाँ पे स्पेस के साथ में जो है ग्रिल डिज़ाइन करी गई है जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जो ट्राई एरो जो थीम है ना ये पूरे जो ग्रिल में आती है ये भी बहुत अच्छी लगती है। फ्रंट में टाटा का लोगो, बाकी बिल्ड क्वालिटी की तो कुछ बात करनी ही नहीं हुई क्योंकि अपने ही आप में एक अलग ही जो है बेंचमार्क जो है ये सेट कर चुकी है टाटा। अब जैसे ही आप जो है साइड प्रोफाइल की ओर आएंगे तो साइड प्रोफाइल देखते हैं, इसमें जो है आपको ब्लैक कलर के स्टील लिप मिलते हैं, गुडियर का टायर है, व्हील गैप का डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलने वाला है। प्रोफाइल जो रहेगी टायर की 175/65R14 की रहेगी। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलने वाली हैं और ओवरऑल जो लेंथ रहती है ना इसकी वो आपको वही अंडर 4 मीटर की आपको देखने को मिलेगी, 3993 mm की। और व्हील बेस इसका जो रहता है वो रहता है 2450 mm का। तो इस हिसाब से जो इंटीरियर में जो स्पेस है वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन जब ग्राउंड क्लियरेंस की बात आती है ना तो इसमें डिज़ायर से आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, 170 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। ओवरऑल विड्थ की बात करी जाए तो विड्थ इसकी 1677 mm की ओवरऑल मिलती है। तो यहाँ से पता लग गया आपको ज़रा अगर रियर, अगर आप जो इसमें रियर टेल लैंप हैं उनका जो है अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन दिखाऊँ आपको तो रियर में आपको जो है कुछ ऐसे यहाँ पे इंडिकेटर मिलते हैं। बैक लैंप यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिलती है जो कि एज आ LED फॉर्म में चलेगी जो कि बहुत शानदार सी लगने वाली है। बाकी पीछे इसमें डिफॉगर नहीं मिलता है लेकिन जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है ना ये आपको पीछे ऊपर काफ़ी जो है बड़ी सी यहाँ पर दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी सी लगती है LED फॉर्म में। वायर एंटीना प्रॉपर यहाँ पे पीछे मिल जाता है। और रियर में देखें तो रियर में आपको रिफ्लेक्टर्स प्रॉपर यहाँ पे दिए जाते हैं काफ़ी अच्छे खासे, थोड़ी क्रोम की शेड भी आपको यहाँ पे दी गई है और रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको पीछे दो मिल जाते हैं। लेकिन कैमरा इसमें नहीं मिलेगा तो कैमरे के प्रॉपर यहाँ पे स्पेसिंग दी गई है, यहाँ पे आप कैमरा भी इसमें लगवा सकते हैं। अब जरा बैठते हैं इसके इंटीरियर सेक्शन की ओर, इंटीरियर में क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे चाबी रखते हैं फटाफट से। अब सबसे पहले डोर ओपनिंग भी चेक कर लेंगे हम क्योंकि देखें कितनी जो है ओपनिंग जो है इसकी रहती है। तो टोटल ओवरऑल जो ओपनिंग है डोर की वो कुछ इतनी मिलेगी आपको, इतने जो है इसके डोर ओपन होते हैं। और स्पेस की अभी जो है हम चेक करेंगे मेरे अकॉर्डिंग कितना स्पेस मिल रहा है। इंटीरियर देखें ना तो आपको डुअल टोन शेड में आपको मिल रहा है, ब्लैक और लाइट कलर का कॉम्बो जो कि स्पेशली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये इसमें पूरा दिया गया है। और URBM अपना इलेक्ट्रिकली एडजस्ट यहाँ से जो है प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, फोल्ड आपको जो है मैनुअली हाथ से ही करना पड़ेगा। और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसके XZ में भी आपको जो है प्रॉपर दिया जाता है, तो कुछ ऐसा रहता है यहाँ से वन टच आपको जो है ये डाउन के फंक्शन के साथ में आती है कुछ इस तरीके से। चारों पावर विंडो तो आपको इसमें प्रॉपर मिल रही हैं और चार स्पीकर का सेटअप आपको जो है 2 ट्विटर के साथ में प्रॉपर मिल जाएगा इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पर सीटें आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ में नहीं मिलेगी, फैब्रिक में ही रहती हैं सीटें जो कि आप यहाँ देखते हैं। तो सीट कवर लगवाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको स्पेस इसमें मिल ही जाएगा। अब ज़रा इंटीरियर में बैठते हैं, आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रॉपर दिए जा रहे हैं फ्रंट की सीटों में। तो यहाँ पे जैसे ही आप बैठते हैं तो आपको जो है इंटीरियर का पूरा आपको डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलने वाला है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग बड़े अच्छे खासे जो है कह सकते हैं, इनका जो ग्रिपिंग है ना वो बहुत अच्छी दी गई क्योंकि थोड़े डाया में काफ़ी जो है ठीक से रहते हैं ये, ग्लॉसी टच प्रॉपर मिलेगी, बीच में टाटा का लोगो। एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट आती है सिर्फ इस तरीके से टेलीस्कोपिक जो है
टिल्ट टाइप आपको जो है यहाँ पर इसमें सिर्फ आपको जो है आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में दिया जा रहा है स्टेयरिंग। और बाकी ये हेडलैम्प के स्टॉक्स हो गए और ये वाइपर के स्टॉक्स हो गए। मीटर कंसोल की बात करें, एक बार और जला के दिखाता हूँ इसमें मैं आपको प्रॉपर। तो मीटर कंसोल देखेंगे आपको तो कुछ ऐसा काफ़ी एकदम कह सकते हैं ना डिजिटली फॉर्म में आपको दिया गया है, क्योंकि बीच में जो आपको इसका स्पीडोमीटर है ये पूरा एज अ डिजिटल फॉर्म में है। यहाँ पे इंजन की चेक लाइट्स आएंगी, बाकी जो भी रहते हैं सारी लाइटें यहाँ पर, फ्यूल का यहाँ पे आपको जो है कह सकते हैं टेम्परेचर का, यहाँ पे आपको RPM, ये सारा जो है रिफ्लेक्ट एज अ डिजिटल फॉर्म में होता है। तो मीटर कंसोल भी थोड़ा प्रीमियम लगता है यहाँ पे। और पूरा डैशबोर्ड देखें तो डुअल टोन कलर में है और थोड़ा ग्लॉसी टच भी प्रॉपर क्रोम के साथ में दी गई है, तो इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी बीच में देखेंगे तो आपको हैजार्ड लाइट का स्विच ये रहता है और यहाँ पे आपको हरमन का जो है, जो इनका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला तो ऊपर वाले में आता है, ये आपका सिंपल सा जो ऑडियो सिस्टम है हरमन का वो मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, FM रेडियो, ये सारे फंक्शन के साथ में। बाकी यहाँ पे बीच में देखें तो आपको बूट ओपनिंग का प्रॉपर यहाँ से ये मिलता है और स्विच ये CNG का है, बड़ी ही अच्छी जगह दिया गया है, प्रीमियम लग रहा है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप लगे, तो ये प्रॉपर आपको मिलेगा CNG में अभी चल रही होगी। तो ये ग्रीन जो है यहाँ पे इस तरीके से ब्लिंक होती है। और एक और चीज़, पेट्रोल में अगर ये जो है कह सकते हैं पेट्रोल अगर इसमें कम होता है तो डायरेक्ट CNG पे भी ये आसानी से जो है स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा ये USP रहती है टाटा की जो है यहाँ पे ICNG की। बाकी ये हैजार्ड लाइट का ये लॉक अनलॉक का रहेगा और यहाँ से आपको मैनुअल AC प्रॉपर मिल जाता है ये इसके सारे फ्लो सेट करने का। बाकी यहाँ से आपको जो है एक 12 वोल्ट का जो है पावर आउटलेट दिया गया है और ये USB टाइप का आपको दिया जाएगा। और बाकी थोड़ी स्पेसिंग यहाँ मिल जाएगी, 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन ये है, बाकी ऑटोमेटिक में तो आती नहीं है CNG। और जैसे ही बैक गियर एंगेज करेंगे तो कुछ ऐसी जो है आपको बजर साउंड जो है रिवर्स पार्किंग से आपको जो है सुनने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी खासी जो है लाउड है और प्रॉपर, क्योंकि CNG में आप चल रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर सेफ्टी का भी इंतज़ाम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपको प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ से आपको जो है बीच में कप होल्डर्स, हैंड जो है पार्किंग ब्रेक आपको ये मिलेगी, 12 वोल्ट का पीछे वालों के लिए एक चार्जिंग पोर्ट आपको प्रॉपर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ रहता है इसका पूरा इंटीरियर जो कि आप ये देख रहे हैं। अब ऊपर देखते हैं तो आपको डे नाइट IRVM यहाँ पर मिल जाता है, ऊपर आपको माइक मिलेगा और यहाँ से सनवाइज़र पर जो है टिकट होल्डर, यहाँ पर आपको जो है वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, ऊपर आपको जो है LED में जो है बीच की लैंप दी गई है। अब जरा मैं स्पेस चेक करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो है कितना स्पेस मिल रहा है। सबसे पहले मैं प्रॉपर सीटें अपनी हाइट अपनी जो है पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा, 5'7" 5'8" हाइट के अकॉर्डिंग जो है आप जरा देखना कि आप मेरे को कितना स्पेस मिल रहा है, तो उतना ही स्पेस आपको मिलेगा। तो ये पूरा मैंने सेट कर लिया है। अब जरा रियर सेक्शन की ओर चलें, तो पीछे की ओर चलते हैं तो पीछे आपको स्पेसिंग कुछ इतनी मिलती है, क्योंकि 2450mm का व्हील बेस है तो उस हिसाब से नी स्पेस तो दिखने में ही अच्छा लग रहा है। बाकी पीछे अगर आप देखें ना, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए गए हैं लेकिन बहुत ही ऊंचे हैं, तो हाइट जिनकी अच्छी होती है ना उन्हें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है कह सकते हैं आराम से कंफर्टेबल ही जो है फील होने वाला है। बाकी सीटें काफ़ी चौड़ी लगी मेरे को, बीच में आर्मरेस प्रॉपर यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ से बैठे यहाँ पर तो यहाँ आपको मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अंदर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, नी स्पेस भी आपको इसमें ठीक ही मिलेगा, तो ऐसा कुछ है। बाकी बात करी जाए तो यहाँ पर बीच में हम्प थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे दो लोग तो इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, दो लोग और एक छोटा जो मतलब बच्चों के लिए, दो लोग और एक बच्चे के लिए काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे जगह है। बाकी तीन लोग अगर बैठना चाहें तो शॉर्ट जर्नी पे थोड़ा आप बैठ सकते हैं, लॉन्ग जर्नी में थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ये सारे फीचर्स जो है इस वेरिएंट में आपको मिलेंगे। अब जरा चलते हैं फ्रंट इंजन सेक्शन की ओर, फ्रंट का आप पूरा ओवरव्यू देख लीजिए कुछ ऐसा रहता है। अब फटाफट से इंजन की पावर टॉर्क की बात करेंगे हम इसके, ये रहता है इसका पूरा इंजन वे, हुड तो आप जानते ही हैं अच्छा खासा भारी है ये, ऊपर प्रॉपर जो है यहाँ पे डैम्पिंग इंसुलेशन जो भी कहते हैं आप इसे इसमें दी गई है। तो ये जो है ना ये है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला रेविटॉन पेट्रोल प्लस CNG जो है इंजन, जिसे कि अगर आप पेट्रोल में चलाते ना तो आपको जो पावर आउटपुट मिलेगा 84 BHP आपको यहाँ पे मिलेगी 113 Nm टॉर्क के साथ में। साथ ही साथ अगर मेन तो आप CNG में ही चलाएंगे आप इसे, तो CNG में जो इसका पावर आउटपुट है वो आपको जो है 73 BHP के साथ में 95 Nm टॉर्क के साथ में ओवरऑल इसमें मिलेगा। तो मतलब
कह सकते हैं इस सेगमेंट में आपको जो है सीएनजी में पावर और टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। बाकी ऐसा कुछ रहता है इसका पूरा इंजन वे। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको मेरे ख्याल से सारा कुछ पता लग गया होगा। इसका जो ये वेरिएंट है XZ 7,95,000 रुपये का एक्स शोरूम में कॉस्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको सेफ्टी भी अच्छी खासी मिल रही है, जो मेन फीचर चाहिए थे सेफ्टी के साथ वो भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जा रहे हैं। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।